देखिए जनपद सीतापुर में प्रभावी अपराध नियंत्रण और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दृष्टिगत शुरू से ही ऐसी कार्रवाइयां किए जाने के निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए थे, जिसके क्रम में ये कार्रवाइयां चल रही हैं। विगत में भी कई काम ऐसे हुए हैं जो समय समय पर आपको बताए जाते रहे। इसी क्रम में ये बड़ा उल्लेखनीय काम हुआ है, थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 3 ऐसे अभियुक्तों को पकड़ करके एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री और उसके माध्यम से जो ये अवैध शस्त्र निर्माण कर रहे थे वो पकड़े जाने में सफलता प्राप्त की गई है। इन जो तीनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है, इनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। एक अभियुक्त के खिलाफ 9, दूसरे के खिलाफ 2 और तीसरे अभियुक्त के खिलाफ कुल 3 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। पहले एक लंबे चौड़े आपराधिक इतिहास के पृष्ठभूमि वाले इन तीनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है और इनके जो पकड़ने के बाद जिनसे बरामदगी हुई है उसमें 15 आदद अवैध शस्त्र हैं जो निर्मित अवैध शस्त्र हैं, 18 आदद अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र हैं, 14 कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने के सारे उपकरण और जो इसके फैक्ट्री के सामान होते हैं वो सारे बरामद हुए। एक लंबी चौड़ी बरामदगी है और ये वस्तुतः जो चुनाव के दौरान जो अवैध शस्त्रों की मांग आपराधिक तत्वों द्वारा बढ़ जाती है इस समय में, उसके दृष्टिकोण से ये सक्रिय हुए थे और इनकी सक्रियता का पता लगते ही थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा इस संबंध में सक्रियता बढ़ती गई, जिसके फलस्वरूप यह गुडवर्क हो सका। और इससे मैं समझता हूँ कि जो भी ऐसे तत्व सक्रिय होंगे ऐसे आपराधिक तत्व के उद्देश्य से, उनके मंसूबे प्रारंभिक चरण में ही ध्वस्त होंगे, क्योंकि ऐसा अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिन लोगों के इरादे आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को किसी प्रकार से भी कुप्रभावित करने का होगा, उनके मनोबल को प्रारंभ से ही ध्वस्त करने में हम सफल होंगे। इस अवैध शस्त्र की फैक्ट बरामदगी से जनपद के में जो ऐसे अवैध कारोबार हैं उनको तो प्रभावी नियंत्रण हम कर ही पाएंगे। आसपास के जनपदों में भी इनका जनपद खीरी, लखनऊ और हरदोई, इनमें भी जो अवैध शस्त्र का विक्रय इनके द्वारा किया जाता रहा है, वहाँ कर पर भी अपराध नियंत्रण में भी सफलता प्राप्त हो सकेगी। एक बहुत उल्लेखनीय कार्रवाई है, इसके लिए थाना स्थानीय पुलिस की पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी पूरी प्रशंसा की गई है और उनको प्रोत्साहन देने के लिए और भी उनके द्वारा घोषणाएं की जाएंगी। लेकिन जो एक संदेश गया है इसके माध्यम से, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को सकुशल, निष्पक्ष और निरापद रूप से संपन्न कराने में, वह एक बहुत उल्लेखनीय कदम है।